कई बार सुना है कि अंगूर खट्टे हैं, पर क्या ये अंगूर देखने लायक हैं? नमस्कार, मैं शिवांजलि और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। मैं बात कर रही हूँ उस अंगूर की जो रोहित शेट्टी लेकर आने वाले हैं। अपने एक्शन फिल्म और गाड़ियाँ हवा में उड़ाने के लिए मशहूर रोहित शेट्टी लेकर आ रहे हैं एक कॉमेडी फिल्म सर्कस, जो कि 1982 में निर्मित गुलजार की अंगूर फिल्म की रीमेक है। गुलजार की इस फिल्म के लीड रोल में संजीव कुमार, देवेंद्र वर्मा, मौसमी चटर्जी और दीप्ति नवल थे। निर्देशक गुलजार की यह फिल्म खुद 1968 में आई दो दुनी चार की रीमेक है, जो कि 1950 में रिलीज बंगाली फिल्म भ्रांति विलास पर आधारित है। यह फिल्म खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बंगाली नोबल पर आधारित है। यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि यह बंगाली नोबल भी मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। डबल रोल पर बेस्ड यह फिल्म गुलजार ने बहुत सिंपल तरीके से दिखाई है। इसे देखते ही शेक्सपियर की कही बात याद आती है कि नाम में क्या रखा है। यह फिल्म जन्म के समय अलग अलग जुड़वा बच्चों के दो जोड़ों की है। इस फिल्म में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा की दो जोड़ी है, जो कि अलग अलग जगह रहते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों जोड़ियों के नाम भी सेम हैं, और ऐसे में जब दोनों जोड़ी एक ही शहर में आ जाते हैं तो उनके जीवन में क्या उथल पुथल आती है और लोगों के बीच क्या भ्रम और हास्यपद स्थिति पैदा होती है, फिल्म में यही दिखाया गया है। कॉमेडी फिल्म बनाना काफी मेहनत का काम होता है, क्योंकि इस टाइप के सब्जेक्ट्स में परफेक्ट टाइमिंग काफी मायने रखती है, और गुलजार ने तो इसमें महारत हासिल की है। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड मसाला जैसा तड़क भड़क ना दिखाते हुए बड़े सादगी के तरीके से फन पैदा किया है, जिसमें लोगों को हंसाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती है। रोहित शेट्टी आज के दौर की मसाला फिल्म के लिए मशहूर हैं, जो एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर होती है। उड़ती हुई कारों के दृश्य तो मानो रोहित शेट्टी की फिल्मों की पहचान ही बन गई है। रोहित ने यह स्वीकारा है कि वह अपनी फिल्मों की प्रेरणा 70 के दशक के बनी बॉलीवुड फिल्म से ही लेते हैं और नए प्रेजेंटेशन के साथ बनाते हैं। दरअसल रोहित अंगूर फिल्म शाहरुख के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन इस बीच चेन्नई एक्सप्रेस सामने आई और दोनों ने उस पर काम करना तय किया। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि संजीव कुमार का किरदार रणवीर सिंह निभाएंगे। संजीव कुमार ने अपने दोनों किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया था, जिसमें एक किरदार सीधा साधा तो दूसरा चालाक था। अपने चुलबुलेपन के लिए फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर रणवीर सिंह इस किरदार के साथ कैसे इंसाफ करेंगे, यह देखना काफी रोमांचक होगा। गुलजार की अंगूर फिल्म में बिना किसी डबल मीनिंग डायलॉग और वल्गैरिटी के काफी फन था, जो कि आजकल की फिल्मों में काफी कम ही देखने को मिलती है। अब रोहित की सर्कस गुलजार के अंगूर से कितनी अलग है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसे ही मजेदार बातों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द फुल वॉल्यूम।